अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। पावर आउटेज हुआ था, उसके पीछे चाइनीज साइबर अटैक था, इसके पीछे क्या सच्चाई है, आपको क्या रिपोर्ट मिली? इसमें दो बिंदु है, एक पावर आउटेज और दूसरा है साइबर अटैक। पावर आउटेज जो हुआ उसका हमारे टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया, आउटेज के बाद ही हमारी टीम गई थी, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे गए थे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने प्रतिवेदन दिया है। इसके बाद फिर एक और टीम गई थी यह चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साइबर अटैक के कारण हुआ था। दोनों टीम का यह प्रतिवेदन है कि साहब आउटेज जो हुआ वो ग्रिड फेलियर जो हुआ वो एक ह्यूमन एरर के कारण हुआ, शेड्यूलिंग एरर्स के कारण हुए, उसके ये साइबर अटैक के कारण नहीं हुए। यह एक बिंदु है। दूसरा बिंदु, साइबर अटैक हुआ कि नहीं, साइबर अटैक्स हुए, इस ग्रिड ये ग्रिड कोलैप्स मुंबई से कनेक्टेड नहीं, साइबर अटैक्स हुए हमारे नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पर हुआ, हमारे सदर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पर हुआ, मुंबई में भी, वहाँ के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने हमको सूचित किया है कि मुंबई में भी उनका जो स्काडा सिस्टम है उस पर हुआ, वहाँ स्काडा सिस्टम से करीब 30-40 ट्रोजन निकले, तो साइबर अटैक हुए। और ये हमारे जो ये लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं नॉर्दर्न रीजन के सदर्न रीजन के, वहाँ भी हुए, लेकिन हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम तक है वो आइसोलेटेड है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स थे या सर्वर थे वहाँ पहुँचे वो भी कोई डेटा नहीं ले सके, तो उसको भी हम लोगों ने सैनिटाइज कर दिया। हम लोग पहले से अलर्ट हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है या कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम है वो साइबर अटैक से वल्नरेबल होता है और ये इसकी जानकारी हम लोगों को है। ये जो अटैक हुआ क्या चाइना की तरफ से हुआ, चाइनीज साइबर? देखिए जो नहीं, यह कहने के लिए हमारे पास एविडेंस नहीं है कि चीन से हुआ या पाकिस्तान से हुआ, हमारे पास एविडेंस नहीं है। जो ग्रुप है जिसके बारे में ये जहाँ से ये हुआ, जिस प्रकार का ये मैलवेयर दिया गया, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये ग्रुप ये चाइनीज है, हमारे पास एविडेंस नहीं है। अब चाइना तो उसको डिनाई करेगा कि हाँ साहब से ये हमारा ग्रुप नहीं। जो एक्चुअली रिपोर्ट आया है सिर्फ ये मुंबई के बारे में नहीं है, महाराष्ट्र के बारे में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर शायद इस प्रकार का साइबर का जो मॉलवेयर इंट्रोड्यूस करने का प्रयास हुआ हो, इसके लिए कोई राजनीति इसमें न लाते हुए सभी ने इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। आज ही मेरी केंद्रीय मंत्री आरके सिंह साहब, इनका मुझे फोन आया था, उन्होंने भी बताया कि ये एकदम सही बात है कि वो भी इसके बारे में सतर्क है, वो भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उनका भी ये कहना था ये कोई राजनीति की बात नहीं, सभी ने, सभी मतलब ऑल ओवर इंडिया और सभी स्टेट ने इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए।